भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित घाट रोड में बीते 12 तारीख की अहले सुबह प्रेम प्रसंग मामले में सोनू कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई थी। पुलिस ने सोनू पर गोली चलाने के जुर्म में विशाल कुमार को कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार को सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास और विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट के रहने वाले सोनू कुमार को गोली मार गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। मायागंज अस्पताल में इलाज के बाद घायल के नाना टूना यादव के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना का कारण प्रेम प्रसंग का बताया गया। विशाल का कहना है कि सोनू उसकी विवाहित बहन का फोटो सोशल मीडिया पर डालता है और उससे बात करता था। गिरफ्तार आरोपी 12/11/24 को सुल्तानगंज थाना को एक सूचना मिली कि बालूघाट में रहने वाले सोनू कुमार को गोली मारकर गंभीर से घायल कर दिया है। इस सूचना मिलने पर सुल्तानगंज थाने के द्वारा 54124 केस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इसमें एक प्राथमिकी अभियुक्त है, उनका नाम विशाल कुमार फिरार चल रहा था। इसमें कल दिनांक 27/11/24 को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत विधिवत गिरफ्तार किया गया। इनको भी आपराधिक इतिहास पता चल रही है। इसमें एक ही प्राथमिकी अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया गया। इसका घटना का कारण है प्रेम प्रसंग। सोनू और विशाल कुमार का बहन पहले उनको प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके बाद उनको शादी हुई है। इसके बाद सोनू उनका बहन का फोटो वायरल कर रहा था, इसी चीज लेके विरोध किया गया है। इसी क्रम में विशाल कुमार सोनू को गोली मारकर गंभीर से घायल कर दिया गया है। अभी उनको इलाज जा रही है। भागलपुर जिले से धर्म परिवर्तन का मामला एक बार फिर सामने आया है। दरअसल नेपाल की रहने वाली संगीता अब बन चुकी है बीवी सलमा। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला का रहने वाला रहमान ने प्रेम जाल में फंसा कर नेपाल विराटनगर की रहने वाली संगीता से जबरन शादी कर लिया। शादी के बाद लगातार संगीता को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। शादी के बाद संगीता को लेकर रहमान हैदराबाद चला गया और वहां पर संगीता को बेचने का भी प्रयास किया। इतना ही नहीं, संगीता के साथ रहमान का पिता मोहम्मद सोनू भी जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। जब संगीता ने इसका विरोध किया तो संगीता के साथ मारपीट रहमान और उसके पिता मोहम्मद सोनू करता था। किसी तरह संगीता हैदराबाद से भागकर भागलपुर पहुंची और भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के पास फरियाद लेकर गई। मोहम्मद रहमान 2015 में नेपाल में सिलाई कंपनी में काम करता था और पास में ही संगीता का मकान था। संगीता को रहमान ने अपना धर्म नहीं बताया था। मतलब वही मामला, झूठ बोल के ऐसे उसे करने को, उसके प्यार मोहब्बत कर लिया, उसको घर मिला के मार पीट सब कुछ करता, बेचने के लिए खड़ा हो गया। उसका बाप क्या बोला, ले जाके बेच दे, वो बेचने लगा तो मैं वहाँ से भाग गई। उसकी ननद, उसकी बहन की बस लड़के की, उसमें भी उसको चलने क्या बोलता है, तुम तो मेरे घर में, मेरी बहन के पास है, भाग मेरे घर से, तो ये कह दूंगा। नहीं, लड़का का जो पिता है, आपके पति जो अभी है, उसका जो पिता है, वो आपके साथ क्या करना चाह रहा था? वो बोला था कि जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने मना कर दिया। मना कर दिया। और कौन आपको बेचना चाह रहा है? मैं शोहर। शोहर जो बेचना चाह रहा है, तो झूठ बोलकर आपसे शादी की गई? झूठ बोल के, प्यार मोहब्बत करते हुए, प्यार मोहब्बत में फंसा के शादी की गई। आप पहले हिंदू थे? जी, हम पहले नेपाल में थे, नेपाल से यहाँ आए। हाँ, क्या नाम था पहले आपका? संगीता नाम। अब क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, अब आप क्या चाहती है? अब तो ऐसे इंसान सब क्या करेंगे, लेके बदनाम करना, कैसे फंसी उससे फंसी। छह महीने उसके बाद हम उनके घर से भाग गए। जब ऐसा ऐसा हुआ ना, उसकी ननद को बोला, उसकी बहन को, कि मैं वहाँ भागलपुर नहीं जाऊँगा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नेपाल की रहने वाली हूँ। हिंदू धर्म की रहने हैं। अब आपने धर्म, शादी के बाद धर्म जबरदस्ती बदला गया, अपने मन से बदले आप? जब हो गया तो बदलना तो पड़ेगा ही, बदल गया। कौन, किसने बदलवाया? वही लोग बदलवाया, अब तो मैं बदल गई। बदल गई। अब आप हिंदू धर्म में वापस आना चाहती हैं? नहीं, जब बच्चा मेरे पास है, अब हिंदू धर्म में कैसे आएंगे? आना चाहती हैं या नहीं? मैं उसे खुला चाहती हूँ, डिवोर्स चाहते हैं। डिवोर्स भी देना नहीं मांगता, बोलता बच्चा दो तब डिवोर्स देंगे, वरना नहीं देंगे, ऐसे फंसा के रखेंगे। देखिए, एक आवेदन है, ये हबीबपुर का मामला है। इसमें भी हबीबपुर पुलिस, अभी कल ही ये आवेदन प्राप्त हुआ है,
तो उसमें अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें महिला थानों को भी सिर्फ लगाया जाएगा? देखिए, सभी थानों में महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति है, प्रतिनियुक्ति है और उन्हीं पदाधिकारी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जदयू खेमे में राजनीति गतिविधि तेज हो गई है। जदयू के द्वारा 30 नवंबर को शहर के लाजपत पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता और कई मंत्री शामिल होंगे। जदयू के प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। वहीं जदयू के जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारी और लोगों से अधिक संख्या में लाजपत पार्क पहुंचने की अपील की है। प्रेस वार्ता के दौरान जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2025 में एनडीए गठबंधन 200 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करेगी। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है जो आगामी जो 30 नवंबर 2024 को बिहार प्रदेश जनता दल यू के आह्वान पर प्रत्येक जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। उसी क्रम में भागलपुर में भी जिला कार्यकर्ता सम्मेलन 30 नवंबर 2024 को होना तय है। कहा होगा, कौन शामिल होने वाले हैं? हम लोगों ने दे दिया है आवेदन। हम लोगों का जो लाला लाजपत राय पार्क है उसी में हम लोगों ने अपना स्थान तय किया है, वहीं पर हम लोग अपना प्रोग्राम कौन आएंगे? हमारे इस टीम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, माननीय जो है हमारे जो है मंत्री जो है रत्नेश सदा जी, माननीय सांसद झंझारपुर रामप्रीत मंडल जी, उसके बाद हमारे जो है बराड़ी के माननीय विधायक विजय सिंह निषाद जी और हमारे यहाँ भागलपुर के ही छात्र नेता रह चुके अभी बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य और विधान परिषद में उपनेता श्री ललन शराब जी, ये रंजू गीता जी, सलीम परवेश साहब बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति और अभी एक नाम और जुटा सिवान की पूर्व सांसद कविता सिंह जी, ये तमाम हमारे जो है नेता और स्थानीय स्तर पर जो हमारे सांसद श्री अजय मंडल जी भी भाग लेंगे। क्या तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है। प्रदेश के निर्देशानुसार आप हमारे प्रभारी महोदय ने बताया आप लोगों को कि 30 नवंबर 2024 को दिन के 11 बजे से लाजपत पार्क मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन होना तय हुआ है। वो हम लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। आप देखते होंगे प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रखंड का दौरा कर रहे हैं, वहां बैठक कर रहे हैं और सबको आमंत्रण दे रहे हैं इस सम्मेलन में आने के लिए। कल भी मैं पीरपैंती गया था, कहलगांव गया था, सारे जो कार्यकर्ताओं के बीच मैंने आमंत्रण दिया कि आप बूथ स्तर से, पंचायत स्तर से, जिला स्तर से सभी साथी निश्चित रूप से इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लें। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर भागलपुर के सिकंदरपुर में एक प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर जन विकास लोक कार्यक्रम व महिला विकास संस्था के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस संस्था की सदस्य अर्पणा झा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बाल विवाह करा दिए जाते हैं, उन तक हमारी सोच और विचार पहुंचाने के लिए कि बाल विवाह हरगिज कहीं से सही नहीं है। वहीं नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष ने कहा कि शहरी परिवेश की लड़कियां काफी सक्रिय हैं, वे खुद अपने अभिभावकों को जागरूक करते हैं कि हमें बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है, हमें अभी पढ़ाई करनी है। लेकिन ग्रामीण परिवेश की लड़कियां अभी जागरूक नहीं है, उसे हमें जागरूक करनी है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में हम लोगों का साथ दे। वहीं इस मौके पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के साथ साथ महिलाओं को उद्यम से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। मेरा पन्ना था, मैं ऐसे क्या था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर भी हूँ और मेरे पास बाल चाइल्ड मैरिज के केस बहुत आते हैं और जब वो लेकर आते हैं तब लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा अभी भी हो रही है। मैं हम लोग उस तक नहीं पहुँच पा रहे, ये हमारी दुर्भाग्य की बात है कि मैं उन बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। फिर भी जहाँ तक हमारे कहता है मतलब प्रशासन है या समाज के लोग हैं उसको वो लोग कम करने की कोशिश करते हैं। बच्चियां भी बहुत कोशिश करती है कि बाल विवाह, क्योंकि हम बहुत बच्चियां फोन करके एक वो 112 में 1098 में फोन करके बाल विवाह अपना रुकवा रही है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो भी इसमें सक्षम है, बाल विवाह रुकवा रहे हैं। पर हमारा जो मतलब एक थीम है 2030 तक
बाल विवाह मुक्त समाज हमको करना है, भारत के बाल विवाह को हटा देना है, ये एक सक्रिय काम है। इस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता आयोजित की गई है जन विकास लोक कार्यक्रम के तहत बाल विवाह मुक्त भारत। मैं एक नागरिक विकास समिति का सोशल एक्टिविस्ट हूँ और उसका अध्यक्ष भी हूँ। तो महिला विकास निगम के द्वारा जो कार्यक्रम महिला हेल्पलाइन का चलता था, उसकी जिम्मेवारी हमारी थी जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चलता था। तो हम लोगों ने पाया था और इस कड़ी को जन विकास लोक कार्यक्रम के तहत आगे, नौगछिया जन विकास लोक कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत संतोष का विषय है, क्योंकि दो परिवेश है, दो परिवेश में, एक तो शहरी क्षेत्र का परिवेश है और एक ग्रामीण परिवेश है। तो शहरी क्षेत्र में महिलाएं या बच्चियां इतना एक्टिव है कि वो अपने गार्जियन को खुद मना कर देती है कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे, अभी हमको पढ़ने दो, अभी हमारी दूसरी जवाबदेही जो है उसको पूरा करने दो। तो वो शहरी क्षेत्र की जो है वहाँ जागरूकता का थोड़ा प्रचार प्रसार है और सक्रियता है उन लोगों में, समाज में। तो इस कारण से शहरी क्षेत्र की जो लड़कियाँ हैं टीनेजर, वो हमेशा गार्जियन को कुछ ना कुछ अपने तरफ से पढ़ने लिखने के लिए और कर, लेकिन जस्ट रिवर्स स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों की, वहाँ सोल अरेंजमेंट गार्जियन करते हैं। ये बड़ा दुखदायी और बड़ा चिंतनीय विषय है।